वो देखो जी, अटैक हो गया। पिजन्स खा रहे थे, उधर इन्होंने अटैक कर दिया। तो यार हमारी जो ये फिंचीज है ना, इनका दाना देखें पूरा। पानी भी अभी मैंने चेंज किया था, लेकिन इन्होंने पता नहीं नहाती हैं क्या करती हैं, वेस्ट कर देती हैं, गिरा देती हैं। तो चलो अभी चेंज कर दूंगा ठहर के। इनका ये जो है, ये खाती हैं कंगनी, ये पूरी हो जाएगी 2 दिन तक, क्योंकि आपको पता है 8 मुहर्रम आ जाए, बाकी 9-10 की 2 दिन की छुट्टी है, दुकानें बंद होंगी ना इस वजह से। और अभी हमारे बजीज जो हैं, ये देखें खाना खा रहे हैं अपना दाना। पानी भी अभी मैंने इनका चेंज कर दिया था। और लेकिन ये देखें, ये ना अंडे, पता नहीं क्यों, वो देखें वो अंडा गिरा है ना, अंडे वेस्ट करते हैं, पता नहीं क्यों निकाल निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? तो गाइस मैं छत पे आ गया हूँ, और अभी ये देखें मेरे पास ना इतना सारा दाना, ये है जी गंदुम, और ये देखें दाना मिक्स है, और ये देखें ये एक बाजरा में ले आया था अभी, और ये धनिया है, ये गाजरें हैं, ये भीगी हुई रोटी है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इन सबको ना, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने लगा हूँ। मिक्स करके थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये 2-3 दिन आराम से चल जाएगा हमारा। अब ये देखें ये गंदुम है ना, ये थोड़ा बड़ा छापर मैंने ले लिया। अब इसमें ये जो थोड़ा सा दाना पहले वाला बचा हुआ था, ये इसमें मिक्स कर रहा हूँ। ये चला गया। अब ये बाजरा है, इसको ही मिक्स कर देते हैं, इसमें डाल के फिर मिक्सिंग करूंगा सही तरीके से। ठीक है जी। अब ये बड़ा शापर था ना, बड़ा शापर मैं जान के लिया था ताकि मिक्सिंग आराम से हो जाए। देखिए सारा मिक्स है ना इसमें। अब ये देखे ऐसे ऐसे ये देखे आराम से मिक्स हो गया, हाथ की जरूरत ही ना पड़ी। अभी हम क्या करने लगे हैं, आज हम खोलेंगे अपने पिजन्स को, और उनके वो तो पहले भी खोलते हैं। आप कह रहे हो भाई पहले भी खोलते हो, नया क्या है इसमें? नया इसमें यह है कि बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे पिजन के बेबीज हो गए, उनको भी उनके साथ खोलूंगा आज मैं, दिखाऊंगा फिर आपको। मतलब उसके बराबर बराबर लग रहे होंगे, अपनी अम्मा अब्बा के बराबर लग रहे हैं माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े हो गए। थोड़ा सा फ़र्क होगा बस 19-20 का, चेक करें ज़रा। अभी हम खोलेंगे। वो दाना बड़ा उधर वो उठा के ना उस तरफ डाल दो, और कबूतर खा लेंगे ना आराम से ये वाला। हाँ ये जो जिसकी अभी मिक्सिंग की है, जल्दी से ही उधर डाल दो। हमारे पिजन्स खोलूंगा ना अभी, वो खाएंगे फिर, वरना बाकी खरगोशों से भी डर रहे होते हैं वो, और बाकी हम्टी डम्टी वगैरह से भी बड़े डर रहे होते हैं वो। जो है टिक्कू जो है हमारा, वो बहुत मारता है ना उनको, इस वजह से यहाँ। हाँ ऐसे ही डाल दो, थोड़ा सा और इस तरफ करके और डाल दो, उसके नीचे जा रहा है। ये भी साफ करना है, पानी देखें क्या हालत हुई है इसकी। गाइस ये देखें, चेक करें जरा, पानी मैंने उधर चेंज कर दिया था। अब ये देखें इनमें से बच्चे कौन से हैं, बड़े कौन से हैं, चेक करें जरा। ये देखें हो गए ना बड़े बड़े। ये देखें एक ये बच्चा है, ये दरमियान वाला बच्चा है, ये देखें, और एक वो और पीछे, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये आ गया निकल के, ये सबसे छोटा वाला है, और बाकी सबसे मेल वो है, एक ये फीमेल, एक ये फीमेल। देखें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो गए हैं बच्चे भी। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर अंदर ना ये फ्लाई करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। बड़े माशाल्लाह मज़ा आ रहा, पहली बार हमने इनको बाहर खोला है। अब हम खोलने लगे हैं अपने रैबिट्स को, ईना मीना और डीका को। बार बार मुंह से रैबिट्स निकल जाता है, ईना मीना डीका नेम रखा हुआ है, हालांकि फिर भी चलो आदत बन ही जाएगी एक ना एक दिन। धनिया, सूखा धनिया खा रहे हैं, इनको ना वो डाल दो यार धनिया, वो मैं जो लेके आया हूँ वो धनिया इधर डाल दो, खा लेंगे। वो देखो जी, अटैक हो गया। पिजन्स खा रहे थे, उधर इन्होंने अटैक कर दिया रैबिट्स ने, इना मीना और डीका ने। ये देखें लाइन से बैठे हुए हैं, और हमारे पिजन भी डर रहे हैं, उनके बेबीज भी डर रहे हैं। अभी दोस्तों ऐसे करते हैं कि पिजन्स को ना उनके केज में ही दाना डाल देते हैं। ये वैसे ही यहाँ से भी खा रहे हैं, लेकिन अब उनका खुलने का टाइम हो गया है, हम्टी डम्टी का, टिक्कू का और उस मुन्नी का। तो जल्दी जल्दी उनको भी खोल लेते हैं, इनको दाना मैं अंदर डाल देता हूँ, वरना फिर आपको पता है कैसे वो मारते हैं इतनी ज़ोर ज़ोर से पिजन्स को, मारते हैं परी उखाड़ देते हैं मार मार के। गाइस ये देखें इधर दाना डाल के ना मैंने इनको अंदर डाल दिया था, बंद कर दिया, बस बंद करने की बारी है इनको। ये देखें ये भी खा रही थी, खा रही है, ये भी डर गई है मेरे से, ऐसे मारती है। ये देखें कैसे कैसे पर मारती है। इनको ही मैंने खोल दिया था, ये देखें। और वो जो हमारी मुन्नी है ना, वो बगैर अंडे के बैठी हुई है, अब जाके उसको उठाते हैं ताकि वो भी कुछ खा ले। ये देखें दोस्तों इसके काम चेक करें, खाली बैठी हुई है ये, अब नीचे चेक कर लेते हैं वैसे अंडा है कि नहीं इसके नीचे। अंडे मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने नहीं रखे इसके नीचे, गर्मी है ना इतनी इस वजह से। वैसे अभी 2 दिन इन बारिशें हुई हैं तो ये मौसम सही है, लेकिन आगे तो इतनी गर्मी हो जाती है,
अंडे खराब हुए थे, इस वजह से मैंने अंडे रखे ही नहीं इसके नीचे। चलो जी भगाओ इसको, कहाँ भाग गई बात, वो भाग गई। सारी रोटी को ना इधर डाल दो, ये रोटी बड़े शौक से खाती है मुर्गी। ये इना विना डीका ने ये तो खाई नहीं है धनिया। अभी हमने ना ये देखें रोटी डाल दी है, डक्स को अलग डाली है, हम्टी डम्टी को, और ये टिक्कू और मुन्नी को उस तरफ डाली है, क्योंकि ये ना बहुत बदमाश हैं, बहुत शरारते करते हैं, ये ना सबको मारते हैं। देखें इन दोनों को ही मारते हैं, रैबिट्स जो हैं ये क्या कहते हैं, इना मीना डीका, इन दोनों इनको ही मारते हैं सबको। तो मैं कर रहा हूँ व्लॉग को एंड, यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। मिलेंगे इंशाल्लाह कल अगले व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अब ये जो धनिया पड़ा है ना, ये यहाँ से लेके चल भाई अंदर जाए खाइयो, अभी खा नहीं रहा था, अब खाने लग गया है। हैं इधर इनके रैबिट हाउस में डाल देते हैं, वो देखें पहले भी डाला हुआ है और अब भी डाल दिया है।